अभी हम मैकडी आए हैं बर्गर खाने के लिए, कई दिनों से क्रेविंग हो रही थी। अस्वास्तिक को बैलून मिला, अस्वास्तिक ने ये जगह खुद चूज किया बैठने के लिए बारिश के साथ, है ना स्वास्तिक? और वहाँ कंजी ऑर्डर दे रहे हैं, फिर हम इंजॉय करते हैं। और कल करवा चौथ है, ये रहा मेरे हाथों पे मेहंदी, मैंने निकाल दी है बट इसका कलर आ जाएगा। कैसा लगा स्वास्तिक? So beautiful, so elegant, just looking like a wow. तो यहाँ पे हमारा बर्गर आ गया, अब इंजॉय करते हैं। इसमें वो नहीं दिया, स्ट्रॉ लेकर आना पड़ेगा। Hey everyone, good evening, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो आज करवा चौथ है और करवा चौथ की आप सभी बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सो अभी शाम के बज रहे 6 और मैं फटाफट खाना बना रही हूँ, जिसमें से आप देख सकते हो ये शाही पनीर है जो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। इधर चावल हो रहा है, इधर मैंने दाल बना ली है और भी कई सारी चीज़ें हैं, किचन पूरा मैसअप है। सो फटाफट मैं जल्दी जल्दी खाना बनाती हूँ, फिर रेडी होती और आपको भी दिखाती हूँ कि मैंने आज खाने में क्या क्या बनाया है। और चांद का वेट करते हैं, मे बी 7:30 पे निकल जाएगा और अभी मुझे करना बहुत कुछ है, लेट्स सी। और ये रहा स्वास्तिक से, हेलो टू एवरीवन, वेलकम बैक। नहीं बोलोगे वेलकम बैक टू योर वीडियो? ओके, ये आपका वीडियो है। सो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो यहाँ पे अभी पूजा की सारी तैयारी हो गई है, खाना भी बन चुका है और यहाँ पे बारिश हो रही है। यहाँ पे मून कैसे दिखेगा? रात के हो रहे हैं 8 और यहाँ पे जोर की बारिश हो रही है, समझ में नहीं आ रहा मून कैसे दिखेगा। ऐसे टाइमिंग है अभी 8:26 में भी दिखने का, फिर पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा। बाकी तैयारियाँ तो हो गई हैं। तो यहाँ पे अभी अर्घ दिया जा रहा है चंद्रमा जी को, जो कि दिख ही नहीं रहे हैं, लेकिन हम अपना पूजा करें क्योंकि हर जगह इंडिया में दिख चुकी हैं सिवाय बेंगलोर के, क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही है। स्वास्तिक हट जाइए बेटा, रास्ते से हट जाइए, अभी दादी बुलाएंगे आपको भी। तो ये है मेरा करवा चौथ लुक, जो मैंने प्यारी सारी चूड़ियां पहनी है, पिंक साड़ी पहना है, मंगलसूत्र और ये नेकलेस जो कि मैंने पहले ले रखा था। और बस कैसी लग रही हूँ मैं?
कमेंट्स में बताइए प्लीज। सो ये रहा हमारा आज का खाना, आज की ये करवा चौथ स्पेशल थाली जो मेरे द्वारा बनाई गई है, जिसमें ये भिंडी की सब्जी और ये कौन सा पनीर है, मैं बनाई हूँ शाही पनीर, खीर, दाल, सैलेड और इसको फरा बोलते हैं हमारे साइड यूपी में, पूरी और चावल। फिर अब खाना खाते और इंजॉय करते हैं, मिलते हैं आपसे कल। The next day. हे एवरीवन, तो आज नेक्स्ट डे है और अभी मैं तुलसी जी को दिया जलाने जा रही हूँ। कार्तिक मास चल रहा है इसलिए 5 दिया जलाया जाता है, जो कि 5 देवी देवताओं को किया दिया जाता है, उनके लिए ये दिया जलाया जाता है। और यहाँ पे देखो इतनी जोर की बारिश हो रही है, तूफान आया हुआ है, जैसे शायद ये बिजली चमकना भी कैप्चर हुआ हो, बहुत जोर की बारिश हो रही है। आप आवाज़ सुनो एक बार, बहुत जोर की बारिश हो रही है। बैंगलोर का वेदर तो पूरा ही चेंज हो चुका है कुछ दिनों से। सो अभी मैं अभी दिया जलाती हूँ, पता नहीं यहाँ पे दिया जल पाएगा कि नहीं, वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन जलाती हूँ। और यहाँ मेरे पास ये जो बनाना प्लांट है, वहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे अर्थवॉर्म बोलते हैं, वो बाहर निकल रहा है, बस घर में ना घुसे। ताकि दिया मैंने जला दिया और अच्छे से जल रहा है। वेदर देखो, वेदर तो बहुत ख़राब है बेंगलोर का, बहुत ज़्यादा रोज़ बारिश हो रही है यहाँ पे। कल भी यहाँ पे बारिश हो रही थी, तो जिसके कारण हम यहाँ पे चांद नहीं देख पाए थे। अभी जस्ट बिजली इतनी तेज चमकी है, काश मैं कैप्चर कर पाई होती। सो हमें तो ऐसे ही पानी पीना पड़ा फ़ोन से और वीडियो कॉल के थ्रू घूम देख करके। अभी हम बाहर आए हुए हैं मेडिसिन के लिए और बारिश बहुत जोर हो रही है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो वीडियो में। बारिश शाम से ही हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, और मेडिसिन लेना भी ज़रूरी था। सो मेडिसिन लेते हैं फटाफट और निकलते हैं। सो अभी मैं मेडिसिन ले ली हूँ, निकल रही हूँ और अखन जी वहाँ पे वेट कर रहे हैं, फटाफट चलती हूँ, बारिश बहुत तेज हो गई है। सो अभी मैंने मेडिसिन ले लिया और अब घर चलते हैं, क्योंकि बारिश बहुत जोर की हो रही है और स्वास्तिक और मम्मी घर पे अकेले ही हैं। मम्मी वैसे भी बारिश से डरती है और हम बाहर हैं, तो उनको और भी ज़्यादा डर लगेगा। सो घर निकलते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप ये ब्लॉग जो है आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय।